नमस्कार भाइयों, स्वागत है भाइयों एक बार फिर से आप सभी का। तो भाइयों इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल का जो 23वां मैच सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा, उसमें हमारी स्पेशल ग्रैंडली की क्या टीम रहने वाली है। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ ग्रैंडली की टीम बनाने वाले हैं और ग्रैंडली की टीम के लिए हमको क्या चाहिए, 7 फिक्स प्लेयर्स टोटल। आप अपने दोनों टीमों की तरफ से कोई भी 7 फिक्स प्लेयर्स फिक्स कर लेना कि ये 7 फिक्स प्लेयर्स तो हमको अपने टीम में लेकर चलने ही चल रहे हैं और 4 ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी आपको लेकर चल रहे हैं, तब जाके आप 11 खिलाड़ी अपनी टीम में लेकर चलना। लेकिन हम यहां से 9 फिक्स खिलाड़ी सेलेक्ट करने वाले हैं और उन 9 फिक्स खिलाड़ी में से 2 खिलाड़ी हम ड्रॉप करेंगे, जिसमें हाई सेलेक्शन में ड्रॉप होने वाले हैं अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, मार्करम जैसे खिलाड़ी, या फिर कलासेन, या फिर बात करें शिखर धवन जैसे बड़े खिलाड़ी, जिनमें से 2 बड़े खिलाड़ी को हम ड्रॉप करेंगे। यानी कि 7 फिक्स खिलाड़ी, 4 ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी और 2 फ्लॉप खिलाड़ी। आज कौन से हो सकते हैं, कौन से आज हमारी टीम में 4 ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी हो सकते हैं, आज हम जिस ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी पर बात करेंगे उनके परफॉर्मेंस करने के ज्यादातर चांसेस है। कैप्टन वाइस कैप्टन सेफ ऑप्शन भी आज के मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन के, कलासियन विकेट्स कीपर में एक अच्छा कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन है, बैट्समैन में अभिषेक शर्मा हो, शिखर धवन हो, ट्रेविस हेड हो, सबसे ज्यादा सीवीसी इन्हीं को बनाया जा रहा है। ऑलराउंडर में मार्करम को अच्छा खासा कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया जा रहा है, सैम कुरान को अच्छा कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया जा रहा है, लेकिन बॉलर्स में किसी भी खिलाड़ी को कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाया जा रहा। तो आज के मैच में हम बॉलर्स में कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं या फिर यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन कौन हो सकता है, क्योंकि ग्रैंड लीग विन करने के लिए हमें ना सिर्फ 4 बातें याद रखनी है। 1 तो 7 फिक्स खिलाड़ी, 2 फ्लॉप खिलाड़ी जो बड़े खिलाड़ी है उनको ड्रॉप करना है, 4 ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी और कैप्टन वाइस कैप्टन हमारा यूनिक होना चाहिए, तो हम ग्रैंड लीग में एक अच्छे रैंक हासिल कर सकते हैं। क्योंकि बगैर इन बातों के सेफ टीम खेलकर कभी भी ग्रैंड लीग विन नहीं होने वाली है। तो आज के मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन यूनिक कौन होगा, मैं किस खिलाड़ी को ड्रॉप करने वाला हूं और आप किस खिलाड़ी को ड्रॉप करने वाले हैं कॉमेंट्स में यह भी बताइएगा, और आपका कैप्टन वाइस कैप्टन कौन रहेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छे लगे लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, आपका प्यार मिलता है, समर्थन मिलता है तो काफी अच्छा लगता है। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट्स की। मैच खेला जाएगा मुलानपुर क्रिकेट स्टेडियम मुलानपुर में। मुलानपुर की पिच रिपोर्ट्स की बात करें दोस्तों, अच्छी पिच है ये, बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स है, लेकिन इस पिच पर ज्यादा मैच नहीं खेले जा चुके हैं, एक ही मैच खेला गया था। आप उसमें देखेंगे उस मैच में चेजिंग करने वाली टीम ने विन किया था और स्कोर 170 से 190 के बीच बना था, यानी कि 174 रन का स्कोर बना था, विकेट अच्छी खासी गिरी थी, 9 विकेट गिरी थी और पंजाब किंग्स ने चेजिंग कर लिया था, 6 विकेट पंजाब के भी गिरी थी, यानी कि 15 विकेट गिरी थी, जिससे हमें पता चलता ना कि आप सभी लोग बैट्समैन को लेकर अपनी टीम बनाएंगे, विकेट कीपर को लेकर अपनी टीम बनाएंगे, लेकिन हमारी जो टीम आज की बनने वाली है ना वो बॉलर्स के फेवर में बनेगी और मैं कैप्टन वाइस कैप्टन भी बॉलर्स में से ही बना सकता हूँ, क्योंकि जिस पिच पर 15 विकेट मिल रहे हो यानी कि बॉलर्स को आज भी 15 विकेट मिल गई तो आप मान सकते हो कि बॉलर्स में कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकता है। बैट्समैन आप लेना चाहो ले सकते हो, कम से कम आज की हमारी टीम का, मेरी टीम का स्ट्रक्चर क्या रहेगा आज के मैच में, अगर मैं दोस्तों स्ट्रक्चर की बात करूं ना, विकेट कीपर आप 2 लेना चाहो 2 भी ले सकते हो और 1 लेना चाहो 1 भी ले सकते हो। देखो मैं जोनी बेस्ट्रो को तो लेकर चलने वाला ही हूं, अगर मैं किसी टीम में क्लासियन को ड्रॉप करूंगा, किसी टीम में लेकर चलूंगा तो उस टीम में 2 विकेट कीपर होंगे, नहीं तो 1 विकेट कीपर तो कन्फर्म है, 2 भी ले सकते हो। अब दोस्तों ना मैं 2 ही बैट्समैन लेकर चलूंगा, बैट्समैन में काफी ऑप्शन है, शिखर धवन, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, 3 तो हाई सेलेक्शन है और 3 लो सेलेक्शन है, 6 ऑप्शन है, 6 ऑप्शन में से दोस्तों मैं सिर्फ 2 बैट्समैन को लेकर चलूंगा, 1 हाई सेलेक्शन को मैं ड्रॉप करने वाला हूं। बाकी दोस्तों मैं बॉलर्स की ऑलराउंडर की बात करें तो 3 ऑलराउंडर 4 बॉलर्स, किसी टीम में मैं 5 बॉलर्स भी लेकर चलने वाला हूं, ये मेरी ग्रैंड लीग की टीम का स्ट्रक्चर रहने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, किस टीम के फेवर में अपनी टीम बनाए। दोनों टीमों के बीच काफी मैच खेले जा चुके हैं, 14 मैच हैदराबाद ने, 7 मैच पंजाब ने, लास्ट इस टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस की बात करें तो 2 मैच इन्होंने विन किए हैं 4 में से और 4 में से 2 मैच पंजाब ने विन किए। दोनों टीमें अच्छी हैं, एक जैसे हैं, खिलाड़ी देखेंगे कि कौन सी टीम की तरफ से ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी हो सकता है, थोड़ा फेवर मैं मानकर चलूंगा कि पंजाब इस मैच में फेवर रह सकती है तो मैं पंजाब के फेवर में अपनी टीम बना सकता हूं। अब बात करते हैं दोस्तों प्लेइंग 11 की और किस खिलाड़ी की रिसेंट फॉर्म कैसी है। सबसे पहले पंजाब की प्लेइंग 11 की बात करें तो शिखर धवन और जोनी बेस्ट्रो आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे, 1 डाउन बैटिंग पर पी सिमरन सिंह, सैम कुरान, सिकंदर राजा, शशांक सिंह, जितेश शर्मा, आशुतोष शर्मा इंपैक्ट खिलाड़ी में रहेंगे,
हरमन हरप्रीत बरार, हर्षल पटेल, कगिशोर अबाडा और अर्शदीप सिंह, ये इनकी प्लेइंग 11 है। एक नजर दोस्तों, यहां से हम 7 खिलाड़ी सेलेक्ट करेंगे, 7 खिलाड़ी, और उन 7 खिलाड़ी में से हम 5 या 6 खिलाड़ी अपनी टीम में लेकर चलेंगे, जिसमें से एक बड़े खिलाड़ी को तो कंफर्म यहां से ड्रॉप भी करने वाले हैं। तो देख लेते हैं, सबसे पहले बॉलर्स की बात कर लेते हैं कि बॉलर्स कौन से इंपोर्टेंट हो सकते हैं। देखो बॉलर्स की बात करें, सैम कुरान, सिकंदर रजा, 2 ये बॉलर्स हैं जो 2-2 ओवर करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये 4 मेन बॉलर्स हैं जो पूरे 4-4 ओवर बॉलिंग करते हुए दिखाई देने वाले। सैम कुरान की बात करें बॉलर्स में लगभग 3 विकेट्स 1 विकेट, सिकंदर रजा ने लास्ट मैच में विकेट्स नहीं मिली, तो ये दोनों अच्छे पिक हो सकते हैं। सिकंदर रजा का लो सेलेक्शन है, सैम कुरान का हाई सेलेक्शन है। इधर बॉलर से बात करें ना दोस्तों, हरप्रीत बरार 1 विकेट्स 0, 2 विकेट्स 1 विकेट्स, हर्षल पटेल 1-0, 1-2, 3, रबाडा 2-1, 2-1, अर्शदीप सिंह 0-2, 0-2, ये बॉलर्स हैं। अब यहां से ना दोस्तों हम किस बॉलर्स को लेकर चलने वाले हैं, देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं हरप्रीत बरार का सेलेक्शन काफी कम है, ये ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी हो सकता है क्योंकि 4 ओवर बॉलिंग कर रहा। उसके बाद हर्षल पटेल, ये ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी हो सकता है, इसका भी सेलेक्शन कम है और रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है। कगिशोर रबाडा हाई सेलेक्शन है, परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है, इस खिलाड़ी को मैं ड्रॉप कर सकता हूं। देखो बॉलर्स में 4 ओवर कगिशोर रबाडा करेगा, 4 ओवर हर्षल पटेल करेगा, तो क्यों ना हम कगिशोर रबाडा की जगह हर्षल पटेल को अपनी टीम में लेकर चले। और मेरे हिसाब से इस मैच में तो 99% चांसेस है हर्षल पटेल बंडल में विकेट निकालेगा, 3 विकेट निकाल सकता आज के मैच में इस पिच पर। और अर्शदीप सिंह का भी कम सेलेक्शन है, यानी कि एक बड़ा खिलाड़ी बॉलर्स में से मैं किसको ड्रॉप कर रहा हूं, मैं दोस्तों कगिशोर रबाडा को ड्रॉप कर रहा हूं। इसकी जगह पर मैं एक लो सेलेक्शन बॉलर्स को लेकर चलूंगा जो कि है हर्षल पटेल। अब यहां से बॉलर्स की बात करें ना, हरप्रीत बरार, हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह, 3 बॉलर्स को मैं इनमें से अपनी टीम में लेकर चलूंगा। रबाडा को मैं कंफर्म ड्रॉप कर रहा हूं, आप चाहो तो लेना ले सकते हो, लेकिन मैं ड्रॉप कर रहा हूं। अब बैट्समैन में बात करें ना, शिखर धवन की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, लास्ट मैच में तो फ्लॉप थे, उससे पहले 70-45-22 अच्छी परफॉर्मेंस है। जोनी बेस्ट्रो 22-42-8-9-59 ठीक ठाक है। पी सिमरन सिंह 35-19-25-26-20-30 के आसपास रन बना रहा। सैम कुरान बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देगा। सिकंदर रजा 15 रन 0 विकेट्स, लास्ट मैच में फ्लॉप रहे थे, बॉलिंग और बैटिंग दोनों कर रहे हैं। शशांक सिंह लास्ट मैच में हिट रहे थे। जितेश शर्मा विकेट कीपर में, इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे हो गया। तो यहां से मैं किसको लेकर चलूंगा, देखो दोस्तों शिखर धवन को भी लगभग मैं ज्यादातर टीमों में ड्रॉप करूंगा, मैं शिखर धवन पर रिस्क लेने वाला हूं, ज्यादातर टीमों में मैं ड्रॉप करूंगा क्योंकि यहां से 2 बड़े खिलाड़ी मैं ड्रॉप करने वाला हूं और लगभग हर एक के टीम में ये दोनों खिलाड़ी हैं, यहां से शिखर धवन और यहां से कगिशोर रबाडा। रिस्क तो उठाना होगा अगर ग्रैंड लीग विन करना, अगर आप वही सेफ खिलाड़ी अपनी टीम में लेते हुए चलते रहेंगे तो जिस चीज के लिए आप खेल रहे हो कि कभी मैं 4 करोड़ विन कर लूंगा, कभी मेरी फर्स्ट रैंक आएगी, बगैर रिस्क के तो आने से रही, तो इसलिए मैं शिखर धवन को ड्रॉप करूंगा। आपको जो लगता है आप उसको ड्रॉप कर सकते हो, हालांकि मैं सारी टीमों में धवन को ड्रॉप नहीं करने वाला हूं, लेकिन ज्यादातर टीमों में मैं धवन को ड्रॉप करूंगा क्योंकि मैं आज जोनी बेस्ट्रो के ऊपर रिस्क ले रहा हूं। जोनी बेस्ट्रो को मैं यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन बनाऊंगा और पावर प्ले में इनमें से 1 विकेट गिरेगी, तो धवन की विकेट गिर सकती है आज के मैच में और जोनी बेस्ट्रो बड़ी इनिंग्स खेल सकते हैं, इसलिए मैं यहां से जोनी बेस्ट्रो को लेकर चलूंगा। पी सिमरन सिंह को भी मैं ड्रॉप करूंगा, सैम कुरान और सिकंदर रजा को लेकर चलूंगा, शशांक सिंह को मैं ड्रॉप करूंगा दोस्तों, अगर लेना था तो लास्ट मैच में लेते जिसमें 61 रन बनाए, फिलहाल मैं ड्रॉप करूंगा। विकेट कीपर में जितेश शर्मा को भी मैं ड्रॉप करूंगा क्योंकि यहां से मैंने विकेट कीपर में जोनी बेस्ट्रो को ले लिया। फिर मैं आशुतोष राणा को भी लेकर चलूंगा, यानी कि जो 7 खिलाड़ी हम लेकर चल सकते हैं, शिखर धवन, जोनी बेस्ट्रो, सैम कुरान, सिकंदर रजा, उसके बाद बरार, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह, ये 7 खिलाड़ी मैं लेकर चलूंगा। हाँ ये रिस्क जरूर रहेगा, रबाडा को तो मैंने ड्रॉप कर दिया क्लियरली, बाकी आप चाहो तो ले लेना, आप अपने हिसाब से रिस्क ले लीजिएगा, लेकिन मैं रबाडा को ड्रॉप कर रहा हूं। उसके बाद बात करें ना तो मैं यहां से शिखर धवन को भी ज्यादातर टीमों में ड्रॉप करने वाला हूं। फिलहाल ये खिलाड़ी मैं पंजाब की तरफ से लेकर चलूंगा क्योंकि मैंने हाई सेलेक्शन बॉलर्स को ड्रॉप किया है और लो सेलेक्शन हर्षल पटेल के साथ गया हूं, तो ये मेरी टीम रहने वाली है यहां से। अब दोस्तों बात करते हैं हैदराबाद की तरफ से किसको ड्रॉप किया जा सकता है। प्लेइंग 11 की बात करें तो अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड ओपनिंग करेंगे, मार्करम क्लासेन, नीतीश रेड्डी, अब्दुल समाद, शहबाज अहमद, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, मार्कंडे, उनादकट और टी नटराजन, ये इनकी प्लेइंग 11 होने वाली है। बॉलिंग की बात करें तो दोस्तों ये
नटराजन, उनादकट, भुवनेश्वर कुमार, पैट कमिंस, ये चारों इनके मेन बॉलर्स हैं जो चार चार ओवर बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद दो ओवर के आसपास आपको करते हुए दिखाई देंगे मार्कंडे, एक से दो ओवर शहबाज अहमद और एक आधा ओवर आपको अभिषेक शर्मा भी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। ये यहां से बॉलर्स है। अब यहां से किस बॉलर्स को लेकर चला, यहां से ज्यादा बॉलर्स मैं नहीं ले सकता क्योंकि वहां से मैंने अर्शदीप सिंह को ले लिया, हर्षल पटेल को ले लिया, बरार को ले लिया, तो यहां से ज्यादा मैं दो बॉलर्स को ले पाऊंगा। दो बॉलर्स कौन से हैं, भुवनेश्वर कुमार, पैट कमिंस की बात करते हो, हर मैच में एक एक विकेट है तो पैट कमिंस एक अच्छे पिक करेंगे, इसको अपनी टीम में आप चाहो तो ले सकते हो, अच्छे पिक करेंगे। फिर दोस्तों मैं भुवनेश्वर कुमार को कन्फर्म अपनी टीम में ट्राई करूंगा क्योंकि ये विकेट लेस चल रहा है और किसी भी मैच में ना ये भी दो से तीन विकेट्स निकालेगा, कैप्टनसी की भी इनिंग्स खेल सकता है। और जब लो सेलेक्शन वाला खिलाड़ी कैप्टनसी की इनिंग्स खेलता है ना, ग्रैंड लीग में अच्छे रैंक आने के काफी चांस बढ़ जाते हैं। वहीं पर मार्कंडे, उनादकट और टी नटराजन, अगर टीम फर्स्ट बॉलिंग करती है तो मैं टी नटराजन के साथ भी जा सकता हूं। ये तीन खिलाड़ी यहां से मैं बॉलर्स में लेकर चल सकता हूं, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन। बैट्समैन की बात करें ना दोस्तों, अभिषेक शर्मा रिसेंट फॉर्म 37 रन 29/63 गजब की है, ट्रेविस हेड 31-19/62 गजब की परफॉर्मेंस है, मार्करम लास्ट मैच में 50-17-42 गजब की परफॉर्मेंस है, हेनरी क्लासन 10-24-80-63 गजब की परफॉर्मेंस है। लेकिन इन चारों में से भी एक खिलाड़ी तो कंफर्म फ्लॉप होगा और हो सकता है दो भी फ्लॉप हो जाएं। अगर जो अच्छे से रिस्क लेना चाहते हैं वो इन चारों में से दो खिलाड़ी को ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि मैं यहां से एक खिलाड़ी तो कन्फर्म ड्रॉप करूंगा, ज्यादातर टीमों में मैं यहां से दो खिलाड़ी भी ड्रॉप करने वाला हूं क्योंकि ज्यादातर इन चार में सभी लोग इन चार को अपनी टीम में लेकर चलेंगे, विकेट्स यहां से भी गिरेंगे। मेरे को क्या लगता है कि कौन फ्लॉप हो सकता है, परफॉर्मेंस चारों की अच्छी है, अभिषेक शर्मा ये अच्छा प्लेयर्स रह सकता है, बॉलिंग कर सकता है, ये फिक्स रहेगा। ट्रेविस हेड, मार्करम क्लासन, इन तीनों में से आप एक को ड्रॉप करके अपनी टीम बना सकते हो, जिसको आपको लगे आप उसको ड्रॉप कर सकते हो, आपको जो भी लगे अपनी मर्जी से, लेकिन ड्रॉप जरूर करना होगा। अब नीतीश कुमार रेड्डी ना, ये हाई ट्रम्प कार्ड हो सकता है, सिलेक्शन 1% है तो चांसेस रहेंगे, ये रिस्क आपको खुद से लेना है नीतीश कुमार रेड्डी को अपनी टीम में लेने का। मैं नहीं बोलूंगा कि आप इसको एज ए ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स अपनी टीम में रख लो, 1% सिलेक्शन है, अगर आप रखना चाहो तो मैं ये कहूंगा कि अच्छी बात है, ग्रैंड लीग विन कर सकते हो क्योंकि चांसेस कम रहेंगे क्योंकि इनके उनके ऊपर शहबाज अहमद, अब्दुल समाद आ सकते हैं। अब अब्दुल समाद को मैं ड्रॉप करूंगा, शहबाज अहमद परफॉर्मेंस अच्छी है, 18 रन 1 विकेट 22 रन 1 विकेट 1 विकेट, यानी कि बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे रहे हैं, ये अच्छा पिक रहेगा। अब बॉलर्स की हमने कर ली थी बात, जिसको मैं लेने वाला हूं, तो यहां से इन चार में से किसी तीन को लेकर चलना है आपको। मेरे हिसाब से ट्रेविस हेड जल्दी विकेट्स जा सकती है आज के मैच में, जो मेरे को लग रहा है। उसके बाद बात करें किसको लेना है, पैट कमिंस, शहबाज अहमद, भुवनेश्वर कुमार, ये यहां से हम 6 खिलाड़ी अपनी टीम में रख सकते हैं। इन 6 में से आप 5 भी ले सकते हो या 4 भी ले सकते हो। फर्स्ट बॉलिंग के केस में आप नटराजन को लेना चाहो तो नटराजन भी अच्छे पिक हो सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे फिक्स खिलाड़ी, ये जो 9 फिक्स खिलाड़ी है ना दोस्तों, ये 9 फिक्स खिलाड़ी हैं। इन 9 फिक्स खिलाड़ी में से ना आपको सिर्फ 7 खिलाड़ी लेकर चले हैं या 6 खिलाड़ी लेकर चले हैं। धवन को, जैसा कि मेरा मानना कि फॉलोअप होगा, मैं धवन को ज्यादातर टीमों में ड्रॉप करने वाला हूं। एक खिलाड़ी तो यहां से फिक्स में मैं इसको ड्रॉप कर सकता हूं, मैं बेयरस्टो को लेकर चलूंगा, मैं कुरान को लेकर चलूंगा, मैं रबाडा को भी ड्रॉप करूंगा दोस्तों। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, मार्करम क्लासन, इन चारों में से भी मैं एक को ड्रॉप करूंगा और पैट कमिंस को मैं अपनी टीम में लेकर चलूंगा। इन 9 में से आपको 6 खिलाड़ी या 7 खिलाड़ी फिक्स हैं जो लेकर चलने ही है, और जिनको आप फिक्स कर रहे हो ना और जिसको ड्रॉप कर रहे हो, अगर ज्यादातर टीम में बना रहे हो, जिसको ड्रॉप कर दिया तो कर देना, ये नहीं है कि आप मिक्सअप कर लेंगे, एक में उसको ड्रॉप कर दिया, एक में उसको ड्रॉप कर दिया, उससे ग्रैंड लीग नहीं आएगी। अगर जो आपकी टीम में फ्लॉप खिलाड़ी हैं और वो फ्लॉप होते हैं और आपने 5-6 कॉम्बिनेशन बना रखे हैं तो आपके ग्रैंड लीग विन करने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, तो यहां से 6 खिलाड़ी हम लेकर चलेंगे। अब दोस्तों ये 6 यहां से ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी हैं आज के मैच में, सिकंदर अजा, हर्षल पटेल, बरार, शहबाज अहमद, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, इन 6 में से 4 को आपको लेकर चलना है। मेरे को 4 कौन से लग रहे हैं, सिकंदर अजा, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार और बराड, मेरे को ये ज्यादा 4 खिलाड़ी लग रहे हैं कि आज के जेल की टीम में आने के इनके ज्यादा चांसेस हैं। बाकी आप चाहो तो शहबाज और अहमद और टी नटराजन में से भी किसी को ट्राई कर सकते हो, नहीं तो मेरा मानना रजा, पटेल, बरार और भुवनेश्वर कुमार, इनके ज्यादातर चांसेस है जो ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी के हैं
ग्रैंड लीग की टीम में आने के, यानी कि 7 खिलाड़ी 6 खिलाड़ी यहां से ले लो और 4 ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी हमने यहां से अपनी टीम में रख लिए। फिर बात करते हैं दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन के, ट्राइव साइड अभिषेक शर्मा, मार्करम क्लासेन, ये सारे और धवन और बेस्टो, ये सारे कैप्टन वाइस कैप्टन के एक अच्छे सेलेक्शन है। मैं इनमें से किसको कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकता हूं दोस्तों? लास्ट मैच में मैंने मार्करम को बनाया था, इस मैच में मैं मार्करम को शायद ना बना पाऊं। ज्यादातर चांसेस है मैं यहां से बेस्ट प्रो को ही कैप्टन वाइस कैप्टन बनाऊं या ट्रेविस साइड अभिषेक शर्मा में से किसी एक को बना सकता हूं, लेकिन हम ग्रैंड लीग की टीम में जो ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी है ना उनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे ना तो ग्रैंड लीग विन करने के ज्यादातर चांसेस है। तो यहां से हर्षल पटेल और भुवनेश्वर कुमार, ये यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन के अच्छे ऑप्शन है। अब बात करता हूं दोस्तों मैं अपनी टीम की, ये दोस्तों मेरी 2 टीमें हैं। बेस्ट रो ले लिया मैंने विकेट कीपर में, मैंने क्लासेन को ड्रॉप कर दिया और मैंने साथ के साथ ट्रेविस साइड को भी ड्रॉप कर दिया, 2 बड़े रिस्क लिए मैंने यहां से। अभिषेक शर्मा को ले लिया और धवन को भी मैंने ड्रॉप कर दिया, 3 हाई सेलेक्शन खिलाड़ी मैंने ड्रॉप कर दिए, रजा, मार्करम, सैम कुरान, शहबाज अहमद को मैंने अपनी टीम में रख लिया, भुवनेश्वर कुमार, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, बरार और अर्शदीप सिंह को मैंने अपनी टीम में रख लिया। फुल रिस्क की टीम है, आर्या पार वाली हो सकता है इस टीम से, लक भी चल जाए, अच्छी रैंक भी आ जाए। तो कैप्टन की बात करें दोस्तों, कैप्टन मेरा जोनी बेस्ट्रो, आज के मैच में मेरे हिसाब से जोनी बेस्ट्रो बड़ी अच्छी इनिंग्स खेल सकता है, और वाइस कैप्टन मेरा हर्षल पटेल जो 2 से 3 विकेट आज के मैच में निकाल सकता है, यानी कि रिस्की टीम रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन है। और चांसेस हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि चांसेस नहीं है इस टीम के चलने के, आप चाहो तो सरफराज अहमद की जगह पर ट्रेविस हेड या शिखर धवन को अपनी टीम में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो शहबाज अहमद की जगह पर। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी टीम की, बेरस्टो और क्लासेन दोनों को मैंने अपनी टीम में रख लिया, धवन और ट्रेविस हेड को रख लिया, मैंने यहां पर दोस्तों अभिषेक शर्मा को नहीं लिया। अब चाहो ना मेरे को, हालांकि बताओ ना धवन के और ट्रेविस हेड के कम चांसेस लग रहे हैं, लेकिन फिर भी 1-2 टीम में आप ट्राई कर सकते, हो सकता है अभिषेक शर्मा फ्लॉप हो जाए, फ्लॉप तो कोई ना कोई होना है। इस टीम में मैंने धवन और ट्रेविस हेड को अपनी टीम में रख लिया, फिर दोस्तों मैंने मार्करम, सैम कुरान, शहबाज अहमद को अपनी टीम में रख लिया, बोलर्स दोस्तों भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, रबाडा और हरप्रीत बरार, रबाडा को भी मैं ज्यादातर टीमों में ड्रॉप ही करूंगा, इस टीम में मैंने रख लिया क्योंकि ये टीम में मैंने कैप्टन और वाइस कैप्टन बिल्कुल यूनिक बनाए हैं, यानी कि हर्षल पटेल कैप्टन है और वाइस कैप्टन भुवनेश्वर कुमार है। आपको क्या लगता है हर्षल पटेल और भुवनेश्वर कुमार कितने विकेट ले सकते हैं? अगर ये दोनों 3-3 विकेट ले लेते हैं तो कैप्टन वाइस कैप्टन के कंटेंडर हो जाएंगे, और दोनों का सिलेक्शन कम है, दोनों ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी है और दोनों ग्रैंड लीग की टीम में आने के चांसेस हैं। आज के दोनों 4-4 ओवर बॉलिंग करेंगे, दोनों को विकेट मिलने के 90% चांसेस रहेंगे, तो इसीलिए इस टीम में मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन बॉलर्स को बनाया हुआ है। इसी तरीके से दोस्तों 7 फिक्स खिलाड़ी को आप अपनी टीम में रखते हुए, 4 ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी को अपनी टीम में रखते हुए आप ग्रैंड लीग की टीम बना सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन आप ये भी रख सकते हो या थोड़ा सेफ खेलना चाहते हो सेफ भी रख सकते हो। बाकी कुछ चेंजेस होता है तो वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर बता दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो भाई टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं टेलीग्राम पर, नमस्कार।